अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम मैं और विलीप भी जा रहे हैं ईद का दूसरे दिन। अभी अभी हम जा रहे हैं वंडरलैंड, उधर जाते हैं, आप लोगों को फिर उधर मिलते हैं। वंडरलैंड, उसके पास पुलिस, कितना रश है, इतना रश है कि ना पूछें। आए हैं जी वंडर पार्क, ईद इंजॉय करने। ईद का दूसरा डे है तो अभी हम लोग आए हैं जी इधर। मुझे नहीं पता था ये आ रहा है, ये इसके फ्रेंड आपके साथ, साथ फ्रेंड बने हैं। फ्रेंड तो कोई नहीं, आप ही हो साथ। अभी तो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं, रश भी बहुत ज़्यादा, रश है बहुत ज़्यादा, रश बना हुआ। तो अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं फिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी इंटर हो गए हैं, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद हम लोगों को एंट्री मिली है। अंदर हम लोग पहुँचे हैं, बहुत रश है जी। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, रश बना हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। आज बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। चलिए अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी आपको दिखाते हैं। ये नहीं जी डिस्कवरी, ये नहीं जी, ये डिस्कवरी स्टार्ट हो गई है। ये इधर बच्चे अपने ईद एंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आज वंडरलैंड में कितना ज़्यादा रश बना हुआ है, कितना ज़्यादा। यहाँ पे शमियाने भी आज लगाए हुए हैं क्योंकि रश है बहुत ज़्यादा, धूप भी बहुत तेज थी। तो मानी आज कोका कोला पी रहा है, स्ट्रिंग समझ के कोका कोला उठा के ले आए है। ये देखिए रात हो गई है, सॉरी मगरब हो गई है, अब तक वैसा ही रश आ रहा है। हेलो, अभी हम लोग घर जाने लगे हैं।
फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग। हम लोग आए हैं शाम के टाइम पे वंडरलैंड। इतनी ट्रैफिक है और उससे भी ज़्यादा रश जो है ना वो इस टाइम पार्क के अंदर मौजूद है और बेतहाशा रश है इस टाइम। और अच्छा लगा यहाँ पे आके, थोड़ा घूम फिर लिया, इंजॉय हो गए। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ईद का सेकंड डे भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।